हमारे चैनल कुक विद पुष्पा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे घेवर, जो रक्षाबंधन पर बहुत खास कर ली जाती है। चलिए बनाना शुरू करें। घेवर बनाने के लिए हमें घी चाहिए होगा, बेसन, नींबू का रस, बर्फ, मैदा, एक गिलास दूध और आधा गिलास पानी। अब सबसे पहले हम घी को अंदर बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसमें बर्फ डाल के इसे फेंट लेंगे ताकि अच्छे से मलाई जैसा ना हो जाए। तब तक अभी हमारा मिक्स कर लिया है, अब इसमें से हम सारा बर्फ निकाल लेंगे। अब अच्छे से घी मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें ऐसा लगे कि थोड़ा लूज करना है तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे इसे। अब इसमें हम सारा मैदा डाल लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम एक चम्मच बेसन डाल लेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये एक गिलास दूध है, ये पूरा डाल लीजिए। इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, सारा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए हमारा इतना पतला होना चाहिए बैटर। और फिर हम इसमें रख देंगे साइड में। अब हम इसका एक भगोले में घी गर्म करने के लिए रखेंगे। अभी हम एक स्टील की तपेली में हम ये घी डालेंगे, आधा किलो से ज़्यादा घी डालेंगे, 750 ग्राम, और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक हम चाशनी बनाएंगे। ये हमने आधा किलो शक्कर ले लिया है और इसमें हमने आधा किलो ही हमें पानी डालना है, इसके बराबर ही, और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये गैस चालू करके हम इसे चम्मच हिलाते हुए इसे हम गर्म कर लेंगे। एक तार वाली चाशनी बनके तैयार है, ये देखिए। अब चाशनी हो चुकी है, अभी हमारा घी भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये बैटर डालेंगे, धीरे धीरे चम्मच से डालेंगे, धीरे धीरे डालिए ताकि अच्छे तरह जाली वाला बन जाए। अब धीरे धीरे हम ये बैटर डालेंगे और ये हमारा घेवर वाली जाली बनके तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम धीरे धीरे थोड़ा सा बीच में चप्पू फैलाएंगे और फिर से हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और फिर से हम चप्पू से इसे ऐसे बीच में हिला देंगे। बैटर डालेंगे अच्छे से, वैसे हम फिर से हम चप्पू से इसे साइड में कर देंगे ताकि इसे बाहर निकालने में हमें आसानी होगी। और अब इसे आराम से हम निकाल लेंगे, धीरे से घी निकाल के हम इसे एक परात और या थाली में लेके छन्नी के ऊपर ऐसे रख दीजिए ताकि जो ज़्यादा घी हो वो नीचे निकल जाए। घेवर बना लिए और इसे हमने निकाल के सारा घी निकाल लेना है, फिर हमें एक प्लेट में सारे रख देना है। ये हमारे सारे घेवर बन चुके हैं। ये हमने एक गिलास दूध ले लिया है मावा बनाने के लिए, मलाई बनाने के लिए। फिर हमने 250 ग्राम मावा लेके इसे अच्छे से इसे पीस के हाथ से और इसे गर्म कर लेंगे और फिर चम्मच से हम इसे हिलाते हुए इसे पका लेंगे। अब इसमें हमें 100 ग्राम चीनी, पीसी हुई चीनी डाल देनी है। अच्छे से मिक्स करके इसे हम 2 मिनट पका लेंगे। ये देखिए हमारा घेवर बन चुका है। अब इसमें हम चाशनी ऊपर एक चम्मच हम इसे घुमा के इसके अंदर डाल देंगे। इसमें सब जगह आ जाए इस तरह पूरे में डाल लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे मलाई, इसे घेवर की मलाई है। अच्छे से डाल के इसे हम डेकोरेट करेंगे। ये देखिए कैसी बनी है, आप मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए घेवर बन के तैयार है। ये देखिए राजस्थानी घेवर बन के तैयार है एकदम।